अभी इसी बात कर लूँगा। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थर भी न लगे नहीं मारा जिया रे, ओ थर भी न लगे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थर भी न लगे नहीं मारा जिया रे, ओ थर भी न लगे नहीं मारा जिया रे। थर बिन मोहे नावे, धक 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 मारा जी घबराए, बोले बसुरिया सुन ले सवरिया, बोले बसुरिया सुन ले सवरिया, थर बिन मोहे कुछ नहीं बाबे, मारो जिया रे, ओ घर भी ना लग नहीं मारो जिया रे। थैंक यू। क्या बात है जी, ईद मुबारक, बिल्कुल ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। बड़ी खूबसूरत सी मथीरा हमारे पास मौजूद है। मथीरा, कैसी एक्साइटमेंट है ये गाना करने की जो हमारे से इस फिल्म में आपने किया है? वेल एक्साइटमेंट तो बहुत है एंड देखते हैं आवाम कैसे पसंद करती है, क्योंकि इस दफ़ा पहली दफ़ा इतना यू नो बेली डांस और कॉस्ट्यूम्स अलग थे, नबीला जी ने कर रहे थे सारे कॉस्ट्यूम्स, तो देखते हैं शायद वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल मोड ले ले, और गाने के बाद भी एक सीन है वो सीन शायद ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल मोड ले ले, सो देखते हैं क्या होता है। मगर ओवरऑल अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ हमारी मूवीज में ये चीज़ें होनी चाहिए यार। मुझे आपका शौक, मैंने जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी तो मुझे इसमें आपका शॉट नजर नहीं है, उसमें तो महनूर बलोच जी, मैंने समझा शायद ये उनका सॉन्ग है। सभी इनफैक्ट ये समझ रहे थे, और टीबू भाई मेरे ख्याल से हर फिल्म की खासियत ये होती है कि वो अपनी फिल्म को पहले एक्सपोज नहीं करते, अपने कुछ सीक्रेट्स रखते हैं वो, तो मथीरा उनमें से एक सीक्रेट है। मथीरा इज गोइंग टू बी सेक्सफुल फंडा फॉर दैट फिल्म। क्या सेक्सफुल फंडा जी? सेक्सफुल फंडा, सेक्स नॉट सक्सेसफुल फंडा, सक्सेसफुल फंडा, मथीरा की जो सक्सेस है वो सब देख रहे हैं। मथीरा बाय द वे मूवी इंडिया में भी करके आने वाली है, मथीरा में तो नहीं भाई, क्या बोलेंगे आप? मथीरा में एक्चुअली एक बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेसिक जो है ओपन माइंड है, और लोग बातें 100 बातें करते हैं, लोग 100 जगह बातें करते हैं, लेकिन वो बात एक एज अ एक्ट्रेस जो होना चाहिए वो इनमें सारी क्वालिटियां हैं, इसीलिए अल्लाह ने देखे यहाँ पे कहाँ से कहाँ माशाल्लाह पहुंचाया है। एक बात कहूंगा, और कपड़े जो ब्यूटी कम, कपड़े ब्यूटी भी, और ब्यूटी जब तक ना हो ये ब्यूटी कम होती है। हमारे तो मोटी मोटी हीरोइनें आई थी, अब 15 दिन उन्होंने शुरू से आते ही अपना एक सबसे पहले एक्सरसाइज रोज करती है, कितनी करती है तकरीबन याद है? ठीक है, ठीक है, उसकी होस्ट ही देखते थे, वो खाली उस शो में आपकी एक्सरसाइज देखते थे। हाँ, और लोगों ने बहुत फॉलो किया उसको, ऐसा नहीं फॉलो किया। क्या बोले यार, तुमने तो एक तो तुम्हें डिफेंड कर मिट्टी में नहीं जाने से कोई बात नहीं है। एंड मैं सच बात बताऊँ, ये मेरा पहला हीरो था एंड मैं काफी अनकंफर्टेबल थी द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड वर्क, एंड पहली दफा कैमरा में टीपू जी भी इन्होंने काफी मुझे सपोर्ट करा, सो थैंक यू सो मच। टीपू जी, टीपू जी, आपको पहली दफा किसी ने टीपू जी बोला है? दोनों ने इंडिया में काम किया ना, तो वो जी वहाँ से आया है। अच्छा महेश जी, वहाँ पे होता है अगर किसी की सीरियस हो जाए। एक बार दोबारा सुनो, थैंक यू वेरी मच, जैसे आपने कहा था दोबारा करें। मैं भूल गई, अगली बार बोला थैंक यू वेरी मच, दोबारा ऐसे बोलो, एक बार बोलते हैं, देखो शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
वहाँ जाके बैठ भी बैठ ना जाइएगा नहीं बैठ बैठ मेरी क्या कहते हैं बहनों की तरह अभी नदी जा रही है। अच्छा ये एक हमारी इंडस्ट्री में अजीब है के बहनों की तरह हूँ बहन नहीं हूँ नहीं मैं ये बात थोड़ी कर रही हूँ बहन बहनों की तरह हूँ हाँ मुंह बोली बहन खालादाद अच्छा जी हमारी खालादाद हर तरह की हमारे पास एक कॉलर है बड़े जबरदस्त से उनसे बात करते हैं वो भी अपकमिंग स्टार हैं और अपकमिंग फिल्म स्टार हैं तो फिल्म भी करने जा रहे हैं ये हम इनसे बात करते हैं इनकी मूवी के बारे में थोड़ी सी जी अली भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है बिल्कुल ठीक ही मुबारक अली रजा मौजूद हैं जी फोन पे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जितने यहाँ बैठे हैं सबको ईद मुबारक ईद मुबारक क्रिमिनल मोस्ट वांटेड ये जो अभी जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे ना की तरह ये लफ्ज जिसने बनाया ना बहनों की तरह हाँ। ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज है कहीं भी फिट हो जाता है ये बस सर अल्लाह अली भाई बस आपने जो बात की है ना अभी आप गाड़ी स्टार्ट करें और शो पे आ जाएं बस आ ही जाएं सर सर यहाँ कौन कौन मौजूद है मतीरा है बस मती है और नहीं भाई नहीं अब्बास रूफी मौजूद है मतीरा है नहीं मेरी बात सुने मतीरा है टीबू है और पाकिस्तान की एक बहुत ही मकबूल तरीन आवाज अल्लाह ने जिसको लहन बहुत अच्छा दिया है आर्टिस्ट भी उतना ही अच्छा है और उससे ज्यादा इंसान अच्छा है ये थैंक यू नहीं अब्बास रूफी थैंक यू भाई थैंक यू वेरी मच रूफी की आपने बोला वैसे अली रजा भाई आपकी बेगम कहाँ है सो रही है कौन सी वाली है अच्छा अगर बेगम सो रही है तो मतीरा के लिए कुछ कहना है आपने बेगम सो रही है तो मतीरा से क्या ताल्लुक हुआ मेरा फिर नहीं ऐसी मतलब मैं तो शक ना करें ना वो मतलब गलत ना ले रहे ना आपकी आपकी भाईचारगी को गलत बेगम तो ले ही लेती है ऑफ द रिकॉर्ड तो भाई बन जाए एक मिनट हाँ, तो एक बात गौर से सुन ले सारे लोग सारे नौजवान एक बात गौर से सुन ले दूसरी शादी हो या ना हो उम्मीद से रहना चाहिए अच्छा अली भाई अगर मतीरा पुलिस इंस्पेक्टर बन गई तो क्या मुजरिम इस मुल्क में कम होंगे जराइम कम होंगे अगर मतीरा को पुलिस इंस्पेक्टर बना के और खड़ा कर दिया जाए सड़क पर तो शरीफ से शरीफ और नफ्स लोग जो क्राइम करना शुरू करेंगे खुद कि एक दफा मतीरा उनके हाथ में हथकड़ियां डाल दे अरे बाप रे वाह 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 अली भाई आप तो माशाल्लाह अच्छी बात है अली भाई से उम्मीद नहीं थी अली भाई आपसे ये उम्मीद नहीं जो मफरूर होते हैं वो भी आए थे कि हमें हथकड़ी पहना दो खुदा के वास्ते अली भाई मतलब आपसे ही उम्मीद नहीं थी नहीं नहीं बहुत अच्छी बात की आपने जबरदस्त अरे मेरे बेटे हमसे तो बहुत सारी उम्मीदें नहीं है नहीं नहीं अच्छा जरा आप मतीरा से आप लाइव बात कर ले मैं कितना पीछे बोलती रहूंगी मतीरा बात करें अली भाई जी जी ईदी कैसी जा रही है आपकी ईदी ईदी जबरदस्त बहुत जबरदस्त जा रही है और आपसे बात होने के बाद ईद में निखार पैदा हो गया है अच्छा ये बेगम सो रही है अब तो डेफिनेट है बेगम सो रही है देखिए आप अंदाजा कर लें कि बेगम के सोने के फवायद भी कितने शोर उठा सकता है वाह वाह वा, ये बात है अच्छा सही दादा भाई इसलिए इसलिए मासूम शोरों को चाहिए कि बेगम को बहुत सुकून की नींद फराहम करें ये रिपीट भी होगा ये नहीं नहीं बड़े मजे की बात है ये काम एवे न्यूज के लिए करते हैं इनको पता है ये शो रिपीट नहीं होता क्या बात कर रहे हैं और क्या जब इधर ऐसी बातें कर रही है कर रहे हैं करो, करो फिर भाई भाई मेरी बात सुने नहीं अब्बास रूफी से गुजारिश कर दे कि ईद को सेलिब्रेट करने के लिए वो आइटम सुना दे कि जो सबसे ज्यादा मुझे भी पसंद है नहीं अब्बास रूफी को भी पसंद है और इस मुल्क के हर एक को बहुत पसंद है वो कौन सा कौन सा जान जिसमें जान निकलती है सुनने वाले की अच्छा ठीक है सुनाते हैं जी सुनाते हैं ठीक है थैंक यू रजा भाई थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम आपके गाने हम सुनेंगे और उससे हम ब्रेक लेंगे और गाने सुनते हैं मतीरा की भी फरमाइश है बहुत सारे गानों की मतीरा है ना हाँ फिर इंग्लिश भी सुनना आज उनसे नहीं भाई ये सही है सजना चले जाते हैं लोगों के हाँ जी
सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। आपने जो सारा गाना मथीरा को देख के गाया था, आपकी आवाज में चार चांद लग गए। मैं देखा, मैं क्या, मथीरा आती है तो वैसे ही हमें चांद लग जाते हैं, एक तो ये रहा, एक वैसे बन गया। क्या बात है, हम लेके हैं जी छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहेगा ईद मुबारक जी। ब्रेक वसवे डोला तू अखियां दे कोल कोल, वसवे डोला तू